pollutants in exhaust gas of a diesel engine. See, exhaust gas pollutants in a diesel engine. Now the first exhaust gas pollutants is a nitrogen oxide. Second is the hydrocarbon. With the image you can see here, what is the hydrocarbon? Now see, third is the soot or the smoke. Soot is nothing but the smoke, and there are three type of these smokes are available and removed from the cylinder. The first one is a white smoke, second one is a black smoke, and the third one is a blue smoke. Then fourth one is a, number four point is a diesel odor, and number five is the aldehyde. These are the exhaust gas pollutants available in the diesel engine. डीजल इंजन के अंदर ये सारे एग्जॉस्ट गैस पोल्यूटेंट्स अवेलेबल रहते हैं. नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर देख सकते हो आप, एक रहेगा नाइट्रोजन, दूसरा रहेगा ऑक्सीजन. फर्स्ट वाला नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन. ओके, सो इट इज अ नाइट्रोजन ऑक्साइड. देन नेक्स्ट रहेगा हमारा हाइड्रोकार्बन. ये देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है. ये क्या है आपका, हाइड्रोकार्बन है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड एच, हाइड्रोजन एंड दी कार्बन, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा यहाँ पर, ठीक है. ये हाइड्रोजन कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन हो गया. नाउ सी व्हाइट स्मोक, यहाँ पर आपने देखा होगा व्हाइट स्मोक. देखो इंजन के अंदर आपको इस तरह का व्हाइट स्मोक दिखाई देगा. देन सेकेंड नंबर पे देखा हमने कि व्हाट इज अ ब्लैक स्मोक. तो ब्लैक स्मोक आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाले इमेज के अंदर इंजन के अंदर से ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, ठीक है. एंड देन द ब्लू स्मोक, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ब्लू स्मोक यहाँ पर इंजन के अंदर क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है. इस तरह से ये हो गया स्कूट. दिस आर नथिंग बट द स्मोक्स. देन नेक्स्ट है हमारा डीजल ओडर. डीजल ओडर मतलब क्या, कि आपने देखा होगा कि जैसे डीजल जो गाड़ी रहती है ज़्यादातर उसके अंदर स्मेल आती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बस, जो हमारी बस रहती है, तो बस के अंदर देखा ना आपने, ज़्यादातर स्मेल आती है. द रीज़न इज बिकॉज ऑफ द डीजल, डीजल इंजन होने की वजह से वहाँ पर स्मेल आती है. वो हम देखेंगे अभी क्यों आती है स्मेल. नाउ द नेक्स्ट इज द अल्डिहाइड. अल्डिहाइड मतलब ये तो सिंपल है, कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, और उसके साथ में हाइड्रोजन रहेगा, और एक दूसरा कौन सा भी मॉलिक्यूल रहेगा. इनका कॉम्बिनेशन से अल्डिहाइड यहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, ठीक है. सो हम देखेंगे अभी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन, स्कूट, और ये क्या रहते हैं, तो ठीक है. नाउ द सी फर्स्ट पोल्यूटेंट इज अ नाइट्रोजन ऑक्साइड. इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए ऑक्सीजन. डायग्राम के अंदर देख सकते हैं आप यहाँ पर. सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज अ कलरलेस एंड रैपिडली फॉर्म रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन अ प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन. इट मीन्स दैट वेन द नाइट्रोजन विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन, देन इट विल फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल फॉर्म द नाइट्रोजन ऑक्साइड. सेम कंटेंट इज अवेलेबल इन टू द पेट्रोल इंजन. पेट्रोल इंजन में भी हमने सेम कंटेंट देखा है. सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वेराइटी ऑफ एटमोस्फेरिक प्रोसेसेस. जो एटमोस्फेरिक प्रोसेसेस रहती है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये. इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड फॉर्मेशन, ट्रोपोस्फेरिक एंड द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, ओजोन प्रोडक्शन, ओजोन का जो प्रोडक्शन रहता है, एंड द डिस्ट्रक्शन एंड द अर्बन एंड द रीजनल स्केल ऑक्सीडेंट फॉर्मेशन. जो रीजनल स्केल के जो ऑक्सीडेंट फॉर्मेशन रहते हैं वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, ठीक है. सो इट इज नथिंग बट द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. द नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन. सी, ये हाइड्रोकार्बन का डायग्राम है. नाउ सी व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन. डीजल इंजन कंटेन द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड विद द हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड द हायर मोलिकुलर वेट. डीजल इंजन कंटेन द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड. डीजल इंजन के अंदर क्या रहता है, हाइड्रोकार्बन का जो कंपाउंड रहेगा विद अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा ज़्यादा रहेगा, एंड द हायर मोलिकुलर वेट. अभी बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा क्यों है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द हायर कॉम्प्रेशन रेशियो. कॉम्प्रेशन रेशियो ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर हायर बॉइलिंग पॉइंट रहेगा ऑफ ए हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा, हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसेज ड्यू टू द अनबर्न्ड फ्यूल. सी द रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, इट प्रोड्यूसेज बिकॉज ऑफ द अनबर्न फ्यूल ड्यूरिंग द कंबशन इन द डीजल इंजन. जब कंबशन होता है डीजल इंजन के टाइम पर, सो बिकॉज ऑफ द अनबर्न फ्यूल हाइड्रोकार्बन ऑल्सो प्रोड्यूसेज, जैसे कि हमने पहले भी देखा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ड्यू टू द इम्प्रॉपर लीन एंड द पुअर मिक्सचर. सी, ड्यू टू द इम्प्रॉपर लीन एंड द पुअर मिक्सचर ऑफ द फ्यूल इन द डीजल इंजन प्रोड्यूसेज द ह्यूज अमाउंट ऑफ द हाइड्रोकार्बन. What is the reason behind the unburned fuel? Unburned fuel का reason क्या है? Because of the improper lean or the poor mixture. Lean mixture मतलब वहाँ पर fuel का भी content ज़्यादा रहेगा maximum amount में, और उसका भी content कम रहे, मतलब air का भी content same रहेगा वहाँ पर, ठीक है. So उसको बोलेंगे हम lean mixture. Poor mixture किसको बोलेंगे, कि हमारा जो ratio रहेगा air to fuel ratio जो रहेगा that should be सेम होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, और वो प्रॉपर होना चाहिए. अगर हमारा एयर कम पड़ गया और फ्यूल ज़्यादा हो गया तो हम उसको पुअर मिक्सचर बोलते हैं. सो बिकॉज ऑफ द लीन एंड द पुअर मिक्सचर द अनबर्न्ड फ्यूल
produces and that produces the hydrocarbons. वो produce करता है यहाँ पर hydrocarbon. So hydrocarbon का ये reason रहेगा of the behind the production of a hydrocarbon and it is nothing but a pollutants in a diesel engine. White smoke. इस तरह से देखा होगा आपने बहुत सारे engines के अंदर white smoke रहता है. See, white smoke arises due to the low temperature. अगर सपोज इंजन के अंदर टेम्परेचर कम पड़ गया है, ठीक है, उस टाइम आपको वाइट स्मोक दिखाई देगा. स्पेशली आपने इसके अंदर देखा होगा जब हम गाड़ी को शुरू करते हैं, ठीक है, जो कौन से विंटर सीजन में जब हम गाड़ी को शुरू करते हैं और गाड़ी शुरू नहीं होती है तो भी हम उसको ज़बरदस्ती से कैसे भी चोक लगाते हैं उसको शुरू करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा वाइट स्मोक बाहर निकलता है गाड़ी के अंदर से, ठीक है. दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर. वो होता है हमारा लो टेम्परेचर की वजह से विच प्रोड्यूसेज द वाइट स्मोक इन द डीजल इंजन स्पेशली. देन ये सेम व्हाइट स्मोक जो रहेगा तो पेट्रोल इंजन में भी होता है, बट पेट्रोल इंजन के अंदर ज्यादातर चांसेस बहुत कम रहते हैं ऑफ द बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ ए स्कूट. स्कूट इज नथिंग बट अ स्मोक. स्मोक ज्यादातर पेट्रोल इंजन के अंदर नहीं प्रोड्यूस होता है, इस वजह से हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम इसको डीजल इंजन के अंदर. सो व्हाइट स्मोक अराइजेस ड्यू टू द लो टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड टेम्परेचर, इट प्रोड्यूसेस ड्यू टू द लॉन्ग डिले बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन एंड द बिगिनिंग ऑफ द कंबशन. सी, रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है इसके अंदर का, स्टार्ट ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हुआ है एंड बिगिनिंग ऑफ द कंबशन का बिगिनिंग हुआ है. जैसे ही फ्यूल स्प्रे हुआ है तुरंत ही कंबशन स्टार्ट होना हो जाना चाहिए. अगर कंबशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इफ देयर इज अ डिले इन बिटवीन द स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन एंड द कंबशन, इन दोनों के बीच में अगर थोड़ा भी डिले हो गया, सो इट प्रोड्यूसेस द व्हाइट स्मोक. ये व्हाइट स्मोक क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. और उसका रीजन क्या है, टेम्परेचर की वजह से वहां पर डिले होता है इन बिटवीन द कंबशन एंड द फ्यूल इंजेक्शन. फ्यूल इंजेक्ट करने के बाद में जो कंबशन होगा हमारा, उसके बीच में डिले होगा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, और उसकी वजह से यहाँ पर व्हाइट स्मोक हमारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है. इंजन का व्हाइट स्मोक प्रोड्यूस होगा इस तरह से. नाउ नेक्स्ट, सी, ब्लैक स्मोक क्या रहता है. आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर, अगर एक आधे गाड़ी के अंदर आपने अगर सपोज केरोसिन अगर इंसर्ट कर दिया, केरोसिन डाला तो तुरंत दिक्कत आता है कि इसके अंदर केरोसिन है, बोलकर जैसे स्कूटी जो पहले MET वगैरह थे ना, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पर हम केरोसिन यूज़ करते थे और केरोसिन की वजह से वहाँ पर जो स्मोक बाहर निकलता था उसको बोलते थे हम ब्लैक स्मोक. सो ब्लैक स्मोक इज सस्पेंडेड ऑफ अ स्कूट पार्टिकल. ये स्कूट का पार्टिकल, एक स्कूट पार्टिकल है ब्लैक स्मोक. ब्लैक स्मोक इज नथिंग बट इन एग्जॉस्ट गैस के अंदर रिजल्टिंग फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल. सी, रिजल्टिंग फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल. कंबशन का अगर फ्यूल का अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है, उसकी वजह से ब्लैक स्मोक क्या होता है, यहाँ पर प्रोड्यूस होता है. और उसका रीजन, और इनकम्प्लीट कंबशन क्यों होगा, क्योंकि अगर सपोज हमारा फ्यूल का क्वालिटी अच्छा नहीं है, हमने कोई दूसरा ही फ्यूल यूज़ कर लिया, जैसे कि डीजल इंजन के अंदर मैक्सिमम ज़्यादातर लोग जैसे ट्रैक्टर वगैरह के अंदर भी आप क्या करते हो, केरोसिन यूज़ कर सकते हैं, उसकी वजह से भी रन होता है वो, बट उसकी वजह से क्या होगा, ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस होगा. और उसके अंदर ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस होने का रीज़न क्या है कि इनकम्प्लीट कंबशन होगा इंजन के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लैक स्मोक हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट रहेगा आपका ब्लू स्मोक. ये बहुत मिनिमम एक आधी गाड़ी के अंदर आपको दिखाई देगा कि ब्लू कलर का स्मोक प्रोड्यूस हुआ है, और उसका रीजन रहता है कि ऑयल का अगर सपोज लीकेज हुआ है. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट प्रोड्यूसेस ड्यू टू द एक्सेसिव ल्यूब्रिकेशन ऑयल कंजम्पशन एंड ड्यू टू द लीकेज ऑफ ऑयल विच इंडिकेट द पुअर कंडीशन ऑफ ए व्हीकल. ये क्या इंडिकेट करता है, व्हीकल का पुअर कंडीशन. और रीजन उसका क्या है, इट प्रोड्यूसेस ड्यू टू द एक्सेसिव ल्यूब्रिकेशन ऑयल. जो ऑयल है हमारा, अगर हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर एक्सेसिव अगर ऑयल अगर उसके अंदर सप्लाई कर दिया है, ठीक है, उसके और उसके उसकी वजह से कंबशन हो रहा है, यू नो, एक्सेसिव अमाउंट में ऑयल इसके अंदर आएगा. कौन सा ऑयल, जो हम अलग से जो दूसरा ऑयल यूज़ करते हैं, अगर वो एक्सेसिव अमाउंट में अगर ऑयल हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कंबशन होगा, और कंबशन की वजह से वहाँ पर जो एग्जॉस्ट गैस प्रोड्यूस होगी दैट विल बी ऑफ ए कलर ब्लू. वो ब्लू कलर में रहेगी यहाँ पर, ठीक है. और कभी कभार क्या होता है, गाड़ी के अंदर लीकेज भी हो जाता है ना. आपने देखा होगा कि गाड़ी के अंदर ऑयल लीकेज हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट लीकेज, वो लीकेज की वजह से भी यहाँ पर क्या होता है, ब्लू स्मोक यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पर ब्लू स्मोक प्रोड्यूस होगा इंजन के अंदर. देन नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा, ओके, यहाँ तक फिनिश हो जाएगा. ये थे फोर हमारे एग्जॉस्ट गैस पोल्यूटेंट्स इन अ पेट्रोल एंड द डीजल इंजन. पेट्रोल और डीजल इंजन के अंदर हमने ये डीजल